हम क्या करते हैं स्टार्ट करेंगे। अगर आपका आईफोन बेकर ऐसा ही है, मतलब कोई भी आईफोन हो आपका, अगर आपका आईफोन टूट गया है, इन सेंस की बहुत ही कम फंक्शनल है कि कुछ क्लिक करते हैं कुछ हो रहा है और आपको उस आईफोन को एक्सेस करना है तो आप नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो मेरे पास एक ब्रांड न्यू तरीका है। तो आप अभी हम लोग अपने लैपटॉप की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप देखते हैं एक सॉफ्टवेयर को बेसिकली इंस्टॉल करना है और आपको इसका जो पोर्ट होता है ना, जो होता है लाइटिंग पोर्ट या जो पोर्ट होता है, उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है और एक सॉफ्टवेयर बस अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, फोन में भी इंस्टॉल नहीं करना है। फोन में बस आपको क्या दो चीज़ करना है, तो ब्लूटूथ ऑन करना, समहाउ पहुंचना है ब्लूटूथ में, दैट्स इट। आपका फोन वापस से अपने लैपटॉप से आप कंट्रोल कर सकोगे। देखते हैं कैसे होता है, लेट्स गेट इनटू द लैपटॉप। स्टेप नंबर वन, अपने लैपटॉप को आप ऑन कीजिए। स्टेप नंबर टू, फोन को और अपने पोर्ट को साथ में रखिए। स्टेप नंबर थ्री इज टू कनेक्ट दिस यहाँ पे और दूसरा अपने फोन से। इतना तो कर सकते हो ना ब्रो। लास्ट स्टेप कुछ नहीं है, उसके बाद आप इधर आओ, यहाँ पे आओ, लैपटॉप के पास आओ, इधर देखो। ये वाला सॉफ्टवेयर ब्रो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, जूम करना पड़ता है ब्रो, जूम। ये वाला सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आपको ये वाला सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, अपने आईफोन में नहीं करना है, बस अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। इसका नाम है डाउवैन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, इसे आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलिंग मे टेक टाइम एज पर एज योर लैपटॉप स्पीड, कीप ऑन गोइंग, इंस्टॉल नेक्स्ट। काफ़ी ज़्यादा छोटा सा सॉफ्टवेयर, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन योर लैपटॉप स्पीड। तो यहाँ पे रन है तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, फिनिश करते हैं, ऑटो टिक रहता है ये पहले से। तो डाउ वन आपके डेस्कटॉप पे आ चुका होगा, वो ऑटो स्टार्ट होने वाला है एज़ पर एज़ आई हैव क्लिक्ड, सो इट स्टार्टेड। So after installing this software, वापस एक बार आप स्टार्ट कर लो इसको। वेट द सॉफ्टवेयर टू लोड तो लैप टॉप तो शो हो रहा है। सेटिंग्स में जाके कंट्रोल डिवाइस ऑन कर लो, iOS वायर डिवाइसेस भी ऑन कर लो, सेटिंग्स आपको यहीं पे मिलेगा टॉप पे, सेव कर लो। जैसे आप फ़ोन का स्क्रीन को अनलॉक करोगे तो वैसे ही इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स में शो करने लगेगा। जैसे ही यहाँ से आप अपने पूरे के पूरे फ़ोन को चला सकते हो, आपका फ़ोन कम्प्लीटली सिंक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू यूज़ द कैमरा तो यहाँ पे कैमरा पे क्लिक कर लो, कैमरा इज़ टर्निंग ऑन, ठीक है। कैमरा रोटेट भी कर लो, कैमरा इज़ वर्किंग एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। अब इनिशियली मैं ये जो कंट्रोल का सिस्टम है इट मे नॉट वर्क, तो इन ऑर्डर टू फिक्स दैट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ब्लूटूथ में जाएंगे, इसके यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, ठीक है, फ़ोन से ही अपने सेटिंग्स में जाओ, ब्लूटूथ में जाओ और यहाँ पे जैसे मेरा जो इसका नाम है ब्लूटूथ डिवाइस का नाम है सदाफ हाशमी, तो उससे कनेक्टेड है। आपको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट कर लो, उसके बाद भी अगर आपका नहीं चले तो आपको नीचे जाना है, तो चल जाना चाहिए इतने में। स्टिल इफ़ इट डजन वर्क देन यू नीड टू गो टू एसेसिबिलिटीज़ में क्लिक करो, उसके बाद नीचे जाओ। यहाँ पर टच नाम का होगा, फिजिकल एंड मॉनिटर नाम का ये
यूनिट के नीचे टच लिखा होगा, टच पे क्लिक करने के बाद असिस्टिव टच होगा, उसको ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद नीचे जाने के बाद डिवाइसेस दिखाएगा। डिवाइसेस में जो ब्लूटूथ डिवाइस से आपने कनेक्ट किया है अपने फ़ोन को और लैपटॉप को, यानी जिससे आपका फ़ोन कनेक्टेड है जिस लैपटॉप से या पीसी से, उसको भी आपको यहाँ पे चेक करके टिक करके कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका वर्क करने लगेगा। सो आपको पूरा का पूरा जो फ़ोन है वो आप क्या बोलता है, आप एक्सेस कर सकोगे इस तरह ही। ठीक है, उससे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी टाइपिंग तक आप कर सकते हो, इवन एनीथिंग यू कैन डू इट। आई होप इट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।